So welcome back. Today we'll discuss about the injectable contraceptives. Okay. तो जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है बॉडी में वो सब कॉन्ट्रासेप्टिव बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया होता है. फर्स्ट टाइप है प्रोजेस्टेरोन ओनली, सेकेंड टाइप है कॉम्बाइंड. ठीक है, कॉम्बाइंड में बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का कंपाउंड दिया जाता है. प्रोजेस्टेरोन ओनली में तीन अलग से टाइप आ जाते हैं और उनमें से पहला टाइप होता है द DMPA, मतलब डिपॉट मिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट. ठीक है, दिस इज द DMPA. उसके बाद आते हैं नेट एन, दैट इज नॉर एथिस्टेरोन इनेंटेट एंड DMPA सबक्यूटेनियस. सो बेसिकली प्रोजेस्टेरोन ओनली में ये तीन पिल दिया जाता है. हम ब्रीफली सबके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पहले चले देखते हैं DMPA कैसे काम करते हैं. तो DMPA जो इंजेक्शन है उसे इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है पहली बात. सेकेंड, इनका डोज दिया जाता है 150 मिलीग्राम पर 3 मंथ, हर 3 महीने में 150 mg दिया जाता है. 99% वुमेन में अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, सही प्रोटेक्शन था. एटलीस्ट 3 मंथ के लिए अच्छा प्रोटेक्शन देते हैं. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे मैकेनिज्म है इसका. तो पहला थिंग, इट सप्रेसेस द ओवुलेशन. दूसरी बात, इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम में चेंजेस लाते हैं इनडायरेक्टली. एंड डायरेक्टली क्या क्या हमें चेंज आते हैं, या स्ट्रक्चर में कॉन्ट्रेक्शन वगैरह करते हैं या प्रॉब्लम करते हैं, मतलब कुछ चेंज कर देते हैं बेसिक मैकेनिज्म से, सो दैट उनका जो ओवुलेशन है या फिर जो जायगोट फॉर्मेशन है वो ना हो पाए. तो डायरेक्ट एक्शन होता है फैलोपियन ट्यूब एंड सर्वाइकल म्यूकस प्रोडक्शन में, है ना. और इसे इसका और एक खास बात है, एंड दैट वाज इट इज यूजफुल इन पोस्टपार्टम पीरियड स्पेसिंग मेथड के लिए, इसलिए इसे यूज किया जा सकता है. तो बेसिकली ये था DMPA जो इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है. ठीक है, तो जो नेटेन है, नेटेन बेसिकली 200 मिलीग्राम हर 2 महीने में पर 2 मंथ इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देखोगे, मैं काफी ब्रीफली बोल रहा हूँ, इट विल हेल्प यू. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इनहिबिट्स ओवुलेशन एंड देन इट हैज प्रोजेस्टेरोजेनिक इफेक्ट ऑन द सर्वाइकल म्यूकस. अच्छा, अब डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कैसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, अगर बात करें इंट्रामस्कुलरली तो है बोथ DMPA एंड नेटेन का. और उनमें से आप याद रख लेना है आप लोगों को कि DMPA एंड नेटेन बोथ आर गिवेन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड. ठीक है, तो बेसिकली दिस वाज अबाउट नेटेन. ओके, तो हम अब देखेंगे जो DMPA सबक्यूटेनियस है वो कैसे दिया जाता है. सो बेसिकली DMPA सबक्यूटेनियस 104 मिलीग्राम पर 3 मंथ सबक्यूटेनियसली दिया जाता है. ठीक है, तो DMPA का मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहा था, सिम है एकदम. अब साइड इफेक्ट जो ओवरऑल प्रोजेस्टेरोन ओनली इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है उनके ओवरऑल साइड इफेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं हम देखेंगे. सो साइड इफेक्ट्स में पहले आ जाता है डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल, अनप्रिडिक्टिव ब्लीडिंग हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल ब्लीडिंग, एमोनीरिया है, एंजाइटी है. ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन कब हम नहीं देंगे. सो कॉन्ट्राइंडिकेशन, पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन आ जाता है अगर कार्सिनोमा ब्रेस्ट है तो हम नहीं देते हैं. यूटेराइन ब्लीड को ध्यान रखा जाता है, अगर अनडायग्नोज्ड है तो बेसिकली और भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि कोई भी तरह के अनडायग्नोज्ड यूटेराइन ब्लीडिंग में नहीं दिया जाता है. हाई ब्लड प्रेशर में नहीं दिया जाता है. ठीक है, हाई बीपी में, और अगर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तब भी नहीं दिया जाता है. ठीक है, तो हम अब थोड़ा सा ब्रीफली कॉम्बाइंड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में देखेंगे. ठीक है, सो अब हम देखेंगे जो कॉम्बाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव है इंजेक्टेबल
वो क्या होता है बेसिकली कॉम्बाइंड, मतलब हम इस नाम से जान सकते हैं कि यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। नॉर्मली मंथली दिया जाता है, प्लस माइनस 3 डेज हो सकता है डिफरेंस, है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देख सकते हैं, फर्स्ट थिंग इट मेनली एक्ट्स बाय सेपरेशन ऑफ ओवुलेशन, ओके। देन जो सर्वाइकल म्यूकस है उनमें चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। और चेंजेस आने से क्या होता है, जो स्पर्म है उनके लिए एक ऑब्स्टेकल बना देते हैं, सो दैट स्पर्म कैन नॉट क्रॉस, और एंडोमेट्रियल चेंज भी करते हैं लोग। आपको याद रख लेना है चीज के दो ड्रग्स, बेसिकली 3 ड्रग्स था यहाँ पे, मैंने दो दिया, साइक्लोफेम एंड साइक्लोप्रोवेरा। इन दोनों ड्रग्स का क्लिनिकल ट्रायल हुआ था एंड रिजल्ट वाज क्वाइट गुड, ओके। एंड नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या दिया है कि इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए बेसिकली प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजॉर्डर में नहीं दिया जाता है, सेरेब्रो वास्कुलर एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज में नहीं दिया जाता है, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट एंड डायबिटीज मेलाइटस। सो बेसिकली दिस आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन, ओके। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड सब्सक्राइब द चैनल। कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।